सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं एक बहुत ही यमी एंड टेस्टी आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एंड आज मैं बताने जा रही हूँ इजी वेज मोमोज, क्योंकि मुझे चिकन मोमोज तो पसंद नहीं है। सब लोग सोच रहे हो कि पहले ऐसे इंसान है इसको चिकन मोमोज पसंद नहीं है। सो या मुझे चिकन मोमोज बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज वो स्टीम वाले मोमोज ना मेरे को बहुत याकी याकी वाले लगते हैं। सो आज मैं बताने जा रही हूँ कि वेज मोमोज घर पे बढ़िया तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में कैसे बनाओ बहुत ही ज़्यादा यमी। सो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मोमोज बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए। मैदा को हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने गूंद लिया है। मैदा आप लोग को जितना आपको मोमोज चाहिए उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप मैदा ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ थोड़ा सा लिया एंड मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी देके गूंद लिया ऑलरेडी। एंड जब आपका गूंदना हो जाए मैदा, तो आपको इसे 15-30 मिनट सेट होने देना है। सो तुरंत गूंद के आपको नहीं बनाना है, आपको इसे 15-30 मिनट सेट होने देना है। एक ऊपर में बर्तन रख के आप ऐसे करके बर्तन रख के आप इसे सेट होने दे दें। एंड यहाँ मैंने हाफ एन आवर के लिए सेट होने दिया था। एंड ऊपर पे आप ऑयलिंग कर ले ताकि वो ऊपर वाला परत ना सूख जाता है, वो सूखे ना, ड्राई ना हो जाए। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गूद के रख लिया है। एंड अब देखते हैं कि मोमोज की स्टफिंग के अंदर क्या क्या लगता है। सो मोमोज का डो तो मैंने बता दिया। मोमोज की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे कैबेज को अच्छी तरह से घिस लिया है, गोभी को। देन मैंने थोड़े से ग्रीन चिलीज लिए हुए हैं क्योंकि स्पाइसी चाहिए। थोड़ा सा ऑनियन मैंने घिस लिया है। एंड थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर मैंने घिस लिया है। एंड थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लेमन भी लिया है, आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हो। सो ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है। एंड यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया हुआ है, सॉल्ट लिया टेस्ट के लिए, एंड सोया सॉस, ठीक है। सो ये सारी इंग्रेडिएंट्स से आज हम स्टफिंग तैयार करने जा रहे हैं मोमोज की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। एंड अब हम इसमें लो फ्लेम कर देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। एंड हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, ये थोड़ा छिटक सकता है। सो आप ध्यान रखें। फिर आपका थोड़ा सा इसमें हम गार्लिक डालेंगे फॉर द फ्लेवर। कोई भी चीज़ को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसमें अनियंस डालेंगे, तो सारा अनियन हमें डाल देना है। मोमोज की स्टफिंग के लिए हमें कोई भी चीज़ ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, हमें थोड़ा कुक करना है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। चाहे तो इसमें कैरेट गाजर भी ले सकते हो, बट गाजर हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं लिया। अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। कुक नहीं करना है, थोड़ा देर करना है ताकि मोमोज से इसका जो कच्चा टेस्ट है वो चला जाए। सो हमारा स्टफिंग तो रेडी है, बट अब हम इसे ठंडा होने देना है क्योंकि गरम गरम स्टफिंग डालेंगे तो हमारा मोमोज का वो जो बाहर का लेयर है वो फट सकता है। तो अभी हमें इसे पूरा ठंडा होने देना है, ठीक है। सो ठंडा होने के बाद हम मिलते हैं। सो ये हमारा ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से। एंड हमने आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हमने इसमें नमक नहीं डाला। नमक हम बाद में डालेंगे क्योंकि नमक डालने से ना पानी आ जाता है इसमें, और पानी आएगा तो फिर स्टफिंग करने में आपको दिक्कत होगी। सो हम इसमें नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसमें सोया सॉस भी डालना है। सो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, स्वाद अनुसार बस डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी होता है। एंड अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट एंड ऑल, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाली है। थोड़ा सा सोया सॉस डालना है बिकॉज एज मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमने सॉल्ट दिया हुआ है। इधर देखो जहाँ करना है। एंड अच्छे तरीके से आपको इसे मिक्स आउट कर लेना है। हमने ये तो रेडी कर लिया है, अब हम मोमोज पे आते हैं। सो हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है मोमोज के लिए। एंड हमने देखिए यहाँ पे बना के ऑलरेडी रख लिया है। एंड ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा करना है। एंड हमें इसे बेल लें। सो यार गाइस, हमने ऐसी बेल लेनी है और हमें इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। देखिए हमने कैसे बेल ली है, सबको ऐसे ही रखना है। एंड अब हम इसमें स्टफिंग को ऐड करेंगे। सो यहाँ आपको इसे गोल गोल करके पोटली के आकार का बना लेना है। एंड ये चीज़ मुझे तो नहीं आता है, सो ये मेरी मम्मी कर रही है। एंड यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ये देखो मुझे यही आता है। सो मैंने यही वाला डिज़ाइन बनाया है। एंड उन्हें आता है वो पोटली मोदक वाला शेप, सो वो बना रही है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, देखते हैं और कितना बनता है। एंड यहाँ मैंने जैसे इडली बनाते हैं वो लिया हुआ है। हमें इसे ऑयल से ग्रीसिंग कर लेना है। यहाँ हमने गर्म होने दिया है पानी, सो पानी हमारा गर्म हो चुका है। हम ऑयल से थोड़ा ग्रीसिंग कर लेते हैं ताकि हमारा मोमोज, ये रहा यहाँ वाला मोमोज, ये हमने चढ़ा दिया है। ये सब मैंने बाद में मंगाया, आई नो आप बिलीव तो करोगे नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ।
ये सेकंड है चटनी बनाने जा रहे हैं। चटनी बनाने के लिए हमें हमें मिर्च गरम पानी में डाल लेना है ताकि थोड़ी सी स्पाइसी बने चटनी। एंड देन हमें टोमेटोज भी डाल लेना है एंड टोमेटोज हमें तब तक उबालना है जब तक इसके ऊपर की परत निकल जाए। ऐसे हमें तब तक उबालना है जब तक इसकी वो ऊपर वाली छिलके उतर ना जाए। सो देखते हैं। सो यार गाइस आप इसकी छिलके देख सकते हो। सो हमें इसका छिलका नहीं लेना है, हमें अवॉइड करना है इसका छिलका। एंड बस हमें इसकी ये वाली पार्ट ही लेनी। देखे आप छिलका हमने यहाँ पे डाल दिया है एंड जस्ट सो हमें इसको पीस लेना है एकदम बारीकी से। सो चलिए हम पीसते हैं। सो आप देख सकते हो हमने इसे बारीकी से स्मूथ पेस्ट बना लिया है एंड कितनी तीखी आप देख सकते हो लाल मिर्च। सो यहाँ हमने थोड़ा सा हमें हीट करना है कढ़ाई एंड हमें इसमें थोड़ा सा रिफाइन वाला तेल डालना है ताकि हमें ये सब भून सके। सो हमें डाल लिया थोड़ा सा एंड जैसे ये गर्म होता है गर्म आई थिंक गैस हो चुका है क्योंकि गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा है गर्म हो चुका है। हमें इसमें ऐड कर रही है बहुत ही अच्छा फ्लेवर। सोया सॉस डालना है वो भी ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। प्यूरी बनाया था वो हमें डाल लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है बदन हमने इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं की थी। सो हम स्वाद अनुसार हमने सोया सॉस भी डाला है। सो ध्यान रखें स्वाद अनुसार आपको इसमें दे देना है। मिक्स करने के बाद हमें विनेगर हो तो विनेगर डालें वरना आप लेमन भी डाल सकते हैं जैसे कि मैंने कभी कहा था। सो आपको लेमन डाल लेना है मेक श्योर कि इसकी ये ना डले। सो ज़्यादा आटा नहीं डालना है थोड़ा डालना है। बस हमारा चटनी रेडी है। सो यहाँ आप देख सकते हो मोमोज का कलर ही चेंज हो गया है एंड ये कितना ब्यूटीफुली देखो पीछे से भी पक गया है पूरा आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। एंड इधर भी हमारा मोमोज आप देख सकते हो रेडी है। सो आप प्लेटिंग करते हैं। हाँ हमारा यमी मोमोज रेडी है आप देख सकते हो। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देख सकते हो।